I am Neena Sarora, your dream life mentor. I am founder of Vastu Sanjeevani. I am Vastu Acharya, Astro Vastu expert, numerologist. I am dowsing expert, psychosomatic therapist, life coach, Reiki grandmaster. I am on the mission to help 100,000 people to live their dream life with the help of Vastu Sanjeevani tool. इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, ड्रीम होम मॉडल कोर्स बंडल, जो वास्तु कोर्स तो है, इट इज हैविंग द फ्लेवर ऑफ माइंड पावर एंड माइंड प्रोग्रामिंग एज वेल। मैंने देखा अपनी लाइफ में कि जो लोग सरेंडर करके वास्तु कराते हैं उनको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं वास्तु, और जो लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, वास्तु तो कराते हैं किसी के कहने पर और माइंड से नेगेटिव होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, आई डिजाइन दिस कोर्स जिसमें वास्तु की पावर को डबल किया है, माइंड पावर माइंड प्रोग्रामिंग का फ्लेवर दे। हम अपने माइंड से और अपने आउटर स्पेस यानी घर के माइंड से अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना सीखते हैं। इसमें जो वास्तु है उसमें हम अपने बिल्डिंग के माध्यम से, अपने घर के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं, और सबकॉन्शियस इज क्रिएटर। तो जैसे हम सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं लाइफ में, वही होना शुरू हो जाता है। देन क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ड्रीम लाइफ? ड्रीम लाइफ क्या है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अचीविंग टारगेट्स। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सॉल्यूशन भी चाहिए, तभी तो ड्रीम लाइफ जी। और जो हमारे गोल्स हैं उनको भी हम अचीव करें, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है अगर हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाते हैं इस उम्मीद से कि हमको इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लगता है इसका सॉल्यूशन ही नहीं। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं डेस्टिनी मान के, तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। लोगों को पता नहीं है कि वास्तु के पास बाकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम वास्तु के टूल से। तो डेस्टिनी एक्चुअल में क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। डेस्टिनी दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल होती है। जो फिक्स्ड डेस्टिनी होती है, जैसे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, ब्लड रिलेशन, जितने लोग हैं, सब फिक्स्ड डेस्टिनी है। हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा टाइम ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, और भी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें एक्सपीरियंस करने ही हैं, जो फिक्स है वो फिक्स्ड डेस्टिनी में आते हैं। और लाइफ की वो चीज़ें जिसमें वेरिएशन है, लाइक पैसा कभी ज़्यादा है कभी कम है, करियर कभी ये जॉब है कभी वो जॉब है, कभी हम ये कर रहे हैं कभी कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड्स कभी ये है कभी वो है, हेल्थ कभी अच्छी है कभी गड़बड़ है। तो जिसमें वेरिएशन है वो वेरिएबल डेस्टिनी में आता है। वास्तु संजीवनी हेल्प करती है वेरिएबल डेस्टिनी को चेंज करने में। वेरिएबल डेस्टिनी को घर के वेरिएबल्स के माध्यम से, अब घर के वेरिएबल्स क्या हैं, घर में फिक्स क्या है, घर में फिक्स है वॉल्स, पिलर्स, है ना, ये सब फिक्स है।
वेरिएबल क्या है? इंटीरियर। इंटीरियर जो है वो वेरिएबल है। तो इंटीरियर के माध्यम से हम अपनी वेरिएबल डेस्टिनी में चेंज ला सकते हैं और यही वास्तु संजीवनी करती है। ठीक है, तो वेरिएबल डेस्टिनी में चेंज लाया जा सकता है। वास्तु गिव्स मैजिकल रिजल्ट्स। घर में थोड़े से चेंज करके आप जबरदस्त रिजल्ट्स देख सकते हैं। दिस इज व्हाट वास्तु संजीवनी इज ऑल अबाउट। ठीक है ना, तो वास्तु हमको कैसे हेल्प करता है, कैसे रोल प्ले करता है? कर्म तो सबने करना है, एक्शन सबने करना है, फिर वास्तु क्या करता है उसके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूं। एक बार तीन फ्रेंड्स थे, राम श्याम और घनश्याम। वो नदी किनारे पिकनिक मनाने गए। राम वहां कई बार जा चुका था। ये लोग जब वहां गए तो बहुत अच्छा वहां का वेदर, बड़ा अच्छा माहौल, लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वाटरफॉल थोड़ा सा ज्यादा जो फ्लो था रिवर का काफी तेज था, लेकिन जिनको स्विमिंग आती थी वो एंजॉय कर रहे थे। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग भी नदी के किनारे मस्ती कर रहे थे। तो राम को एक आइडिया आया, उसने कहा चलो हम लोग स्विमिंग कॉम्पिटिशन करते हैं, देखते हैं कि नदी के किनारे सबसे पहले कौन जाता है। बाकी दोनों को भी स्विमिंग आती थी, श्याम और घनश्याम को स्विमिंग आती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। तो राम वहां क्योंकि कई बार आ चुका था तो उसको उस रिवर के कुछ बारीकियों के बारे में पता था कि कहाँ चैलेंजेस है, कौन सा रास्ता इजी है, वो सारा कुछ राम को पता था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम था। ठीक, तो तीनों एक साथ कूद गए। अब राम ने चुना लॉन्ग रूट, श्याम ने चुना शॉर्टेस्ट रूट, जो किनारा उसको सबसे पास में दिखाई दे रहा था, वो उस तरफ बढ़ गया। ठीक, और घनश्याम ने कहा कि भाई मैं तो घूम जाऊंगा, मुझे तो सीधा ही जाना है, जो सामने दिख रहा है मैं वहीं जाऊंगा, ना मैं बाएं ना मैं दाएं, कहीं नहीं जाऊंगा। तो घनश्याम भी सीधे रास्ते निकल गया। आपको पता है जीता कौन? राम। राम विनर था, फर्स्ट आ गया वो। सेकंड आया घनश्याम, घनश्याम सेकंड आया। काफी देर बाद पहुंचा राम के, और वहां पहुंचने तक वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। पहुंचते ही चारों खाने चित जमीन पे वो लेट गया, और घनश्याम तो पहुंचे ही नहीं, घनश्याम तो पहुंचा ही नहीं। अब हुआ क्या? राम ने जो रास्ता चुना था वो रिवर के फ्लो के साथ था, पानी के बहाव की ओर था। राम ने जो रास्ता चुना तो उसने उस पानी के बहाव को अपनी ताकत बनाया, उसको यूज किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया और फटाफट पहुंच गया दूसरे किनारे पर, बिल्कुल फ्रेश। अपनी विक्ट्री को एंजॉय किया उसने। फिर उसके बाद जो श्याम था उसके साथ क्या हुआ? श्याम सबसे करीब जो तट था उसको देख के कूद तो गया, लेकिन जो फ्लो था वो उसके अगेंस्ट तैर रहा था, तो उसको मेहनत भी ज्यादा लगी, एफर्ट भी ज्यादा लगा और एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम हुई, और जब तक वो पहुंचा टाइम भी ज्यादा लगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल एग्जॉस्ट, अपनी विक्ट्री तक को वो एंजॉय नहीं कर पाया, एक अचीवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया। और घनश्याम के साथ क्या हुआ? घनश्याम जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा एक भंवर में फंस गया, डूबने लगा, उसने हेल्प 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 चिल्लाया और वहां
कुछ लोग लकीली वहीं थे जो स्विमिंग कर रहे थे, उन्होंने देख लिया और उसको खींच के वो वापस किनारे पर ले आए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं हम भी तो अपनी लाइफ में शाम और घनश्याम तो नहीं हो रहे, क्या हमारी इग्नोरेंस हमारी लाइफ में हमारी स्ट्रगल का कारण तो नहीं बन रही? क्यों? क्योंकि जो ये पानी का बहाव है, नदी का बहाव है, ये हमारे घर की एनर्जीज की तरह है, ये हमारे घर की एनर्जीज के जैसे है। जब हमें इनके बारे में पता होता है तो हम राम हो जाते हैं, और जब हम अनजान रहते हैं तो हम श्याम और घनश्याम की तरह या तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते, या तो फिर स्ट्रगल और एफर्ट और टाइम वेस्ट करते हुए किसी तरह पहुंचते भी हैं तो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। यही कारण है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते, मार्क्स नहीं आ पाते। और कुछ बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, कुछ बच्चे मेहनत कम करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। आपने ऑफिस में देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बॉस को कंप्लेंट्स ही रहती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो कम मेहनत करता है लेकिन उसका काम एक्नॉलेज किया जाता है और उसको प्रमोशन भी मिल जाता है। चाहे ये लोग अपने घर की एनर्जीज को नहीं जानते लेकिन जाने अनजाने ये लोग अपने घर की एनर्जीज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरली ये लोग अपनी एनर्जीज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आजकल इतने लोग वास्तु के लिए अवेयर हो चुके हैं, वास्तु के लिए बहुत लोग अवेयर हैं आजकल, 90% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग घर लेते समय वास्तु की बात करते हैं, हमको नॉर्थ ईस्ट का घर चाहिए, ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, वेस्ट फेसिंग घर चाहिए, वो एक फेसिंग बताते हैं और उनको वो घर मिल भी जाते हैं। और कुछ साल बाद वो लोग कह रहे होते हैं, अरे वास्तु बेकार, हमने वास्तु के हिसाब से लिया तो था, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कर लिया, लेकिन देखो हम कितनी परेशानी में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं करता वास्तु। अरे फेसिंग ही तो देखी थी, एंट्रेंस चेक की थी? नहीं, घर के इंटीरियर की एनर्जीज का यूज किया था, घर की एनर्जीज का सही इस्तेमाल किया था इंटीरियर के थ्रू? नहीं। कलर स्कीम का ध्यान रखा था? नहीं। अरे फिर घनश्याम ही तो बनना था, क्योंकि वास्तु इज अ वास्ट सब्जेक्ट, फेसिंग इज जस्ट 0.1% ऑफ इट, इवन कंस्ट्रक्शन इज जस्ट 30% ऑफ इट, 70% तो इंटीरियर है, द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज, एंट्रेंस, कलर स्कीम्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तभी तो जब एक फ्लैट में ऊपर नीचे लोग रहते हैं लाइफ में सेम चीज एक्सपीरियंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका इंटीरियर अलग अलग होता है। इंटीरियर अलग होता है तो लाइफ में रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। तो वास्तु इतना वास्ट है, राम श्याम और घनश्याम ने सेम कर्म किया, but what made the difference? their knowledge made the difference. जिसको जितना पता था उस हिसाब से उसकी जर्नी ईजी हो गई। तो जब हम इन एनर्जीज को समझ जाते हैं, जान जाते हैं,
तो हम अपनी लाइफ की जर्नी को आसान बना लेते हैं और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस, व्हाटएवर वी सीक इन लाइफ, इट इज आवर ड्रीम लाइफ. क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन तो यही है ना, हमारा डेस्टिनेशन यही है, इसीलिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं. तो वास्तु की पावर मैजिकल है ना, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. वास्तु क्या कर सकता है हमारी लाइफ में, मैजिक कैसे क्रिएट कर सकता है. वास्तु हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. कैसे? हमारा घर 24/7 कम्युनिकेट कर रहा है हमारे सबकॉन्शियस के साथ, उसको मैसेज भेज रहा है, उसको ये बता रहा है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं. लेकिन क्योंकि हम अनजान हैं, हमें पता नहीं है, श्याम और घनश्याम की तरह, तो हम रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहे हैं. और रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहे हैं इसलिए लाइफ में वो आ रहा है जो हम नहीं चाहते. हम वो क्रिएट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते. तो एनर्जीज कैसे काम करती हैं? हम जिस जगह पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, हम अपना टाइम जिस जगह पे सबसे ज्यादा करते हैं अपने घर में, वो वाली एनर्जी हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा गवर्न करती है. वो वाली एनर्जी हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा गवर्न करती है. तो वो कौन सी जगह है जहां हम टाइम स्पेंड करते हैं? हमारा बेडरूम. बेडरूम है ना जहां हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. और बेडरूम में भी हमारा बेड, कम से कम 8 से 10 घंटे तो हम वहां पे बिताते ही हैं, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में. तो आपका बेडरूम जिस डायरेक्शन में है, आपके लाइफ में वैसा ही आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. आप अपनी लाइफ में वही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. तो मैं आपको बताती हूं कि आपका बेड अगर किसी दिशा में है तो वो क्या, कैसे आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, इफेक्ट कर रहा होगा. क्योंकि जिस जोन में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस जोन में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है और फिर वैसी ही चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं. क्योंकि जैसा मन वैसा ही जीवन है ना, जैसा मन है वैसा ही जीवन है. तो शुरुआत करते हैं. लेकिन आपको कैसे पता चलेगी आपका बेड किस दिशा में है, तो वो भी मैं बता देती हूं कैसे चेक करना. एक रफ आइडिया, आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए. ठीक, आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे और आपका फेस जहां से सनराइज होता है यानी ईस्ट की तरफ है. वैसे तो अगर आपके पास कंपास है उससे चेक कर ले तो उससे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो कैसे देखना है. आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे, राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा? साउथ. लेफ्ट में क्या आ जाएगा? नॉर्थ. पीछे आ जाएगा वेस्ट. घर के सेंटर में है, ईस्ट सामने, नॉर्थ इधर. ईस्ट और नॉर्थ के 45 डिग्री पे क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सी दिशा आ गई, कौन सा जोन आ गया? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी अगर आ रहा है तो वो भी अलग रिजल्ट देगा. ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या आ रहा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो वो भी अलग रिजल्ट देगा. ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आ गया, 45 डिग्री पर साउथ ईस्ट है. और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ जाता है, वो अपना इफेक्ट देगा. साउथ ईस्ट और साउथ इधर है, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो एरिया है दैट इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दैट इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट.
अब ये साउथ है, पीछे वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्रीज पे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, है ना। कितने सारे सेक्शन करके इफेक्ट बदलता चला जाता है। फिर वेस्ट और इधर क्या आया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पर, तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में क्या आया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो अब आप देखें कि आपका बेड कहां आ रहा है, आपका बेड इनमें से कहां आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूं कि आपका किस दिशा में बेड क्या इफेक्ट देगा। जानना चाहते हैं तो टाइप कीजिए यस, I want to know. If you want to know, then only I will tell. If you want to know, then only. है ना, ये तो ठीक है। If you want to know, then type. Yes, I want to know. Otherwise, bye bye. ठीक है, अब मैं टाइम, आप, मैं बोल रही हूं तो आपको भी थोड़ा सा श्वेता जी, गुड टू सी यू, थैंक यू। संध्या टंगोरी जी, ऑसम, थैंक यू। श्वेता चौधरी जी, यस डियर, दैट मीन्स यू वांट टू नो। उषा चौहान जी, हेलो। संध्या जी, ऑसम। ओके, तो who wants to know, let me know। चलो मैं बताई देती हूं, मैं बताई देती हूं। मधु मित्रा जी ने ज्वाइन किया है, प्राची भाटिया जी, संध्या जी, ओके। तो चलो मैं आपको बता देती हूं कि अगर, संध्या जी कह रही है ऑल ऑफ अस, ओ वेरी गुड, एक ही कमेंट में सबका, ठीक है मैं बताती हूं। अगर नॉर्थ में आपका बेड है तो आप हर टाइम किसकी बात करेंगे, अपने काम की बात करेंगे, काम की बात करना पसंद करेंगे, काम के डिस्कशंस आप करना पसंद करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस की, अपने जॉब की बात करेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ जाता है तो थोड़ी थोड़ी हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, इम्यूनिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बेड आ जाता है तो खांसी, कफ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते, ठीक। अगर आप लोग लिखिए आपका बेडरूम कहाँ है, अगर मैच कर रहा है तो अपने अपने बेडरूम की दिशा लिख के बताइए, तो मैं उसके लिए बताऊं आप लोग का बेडरूम कहाँ है। कुछ तो समझ आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो नॉर्थ ईस्ट में कफ रिलेटेड इश्यूज हो गए, राइट, फिर उसके बाद थोड़ा इरिटेटेड सा भी रह सकते हैं, इरिटेट भी हो सकते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर बेड आ रहा है तो फिर सारा ध्यान एंजॉय करने में, कि घूमना फिरना मस्ती, इसमें ध्यान रहेगा, वही मन करेगा करने का। और अगर ईस्ट में है तो आप सोशल हो जाओगे, कि लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्ट होना बड़ा अच्छा लगता है, हो सकता है पार्टीज वार्टीज भी अच्छी लगे, घूमना फिरना, बाहर निकलना, घर से जाना आपको अच्छा लगने लगेगा।
फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में अगर बेड आ रहा है तो वो आपको इरिटेट करेगा, एंजाइटी देगा. क्या देगा? एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा. हेलो नीलम जी, वो आपको चिंता, टेंशन देगा और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा ज्यादा आने लगेगा, फ्यूचर की चिंता ज्यादा रहेगी. फिर अगर साउथ ईस्ट में आप आ जाते हो तो क्या होगा? साउथ ईस्ट में अगर आप आ जाते हो, अगर आपका बेड है तो गुस्सा बहुत आएगा. अग्नि की दिशा है ना, गुस्सा बहुत आएगा. फिर साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वहां पे अगर आपका बेड है तो यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस है आपके पास. कॉन्फिडेंट लोगों को भी दिखता है कि यू आर कॉन्फिडेंट. साउथ में अगर बेड आ जाता है आपका तो बड़ी अच्छी नींद आती है, रिलैक्स, बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाता है, नींद भी खूब आती है साउथ में. साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में अगर आपका बेड है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज फ्रीक्वेंटली फेस कर सकते हैं. साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, सिवियर इश्यूज. अगर साउथ वेस्ट में है, अगर साउथ वेस्ट में है आपका बेडरूम तो क्या होगा? साउथ वेस्ट बेडरूम में आप परफेक्शन सीख करोगे, अपने काम में भी और सामने वाले के काम में भी, तो थोड़ा बॉसी हो जाओगे, डोमिनेट करोगे. वेस्ट साउथ वेस्ट में, यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में अगर आते हो तो सीखने का मन आपका बहुत करता है कि कुछ भी सीखने को तैयार, सीखने को मिलना चाहिए, रेडी टू लर्न ऑलवेज. वेस्ट में अगर आपका बेड है तो आप अच्छे बिजनेसमैन हो जाते हो, प्रॉफिट इस तरह ध्यान रहता है, कोई काम करूं तो मेरे को क्या फायदा होगा, कैसे गेन्स होंगे, वो चीज. अगर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर आपका बेड आ जाता है तो वो डिप्रेशन में ले जाएगा आपको. पास्ट इंसिडेंट्स आप भूल ही नहीं पाओगे, पास्ट इंसिडेंट से निकल नहीं पाओगे. थायराइड भी हो सकता है. फिर नॉर्थ वेस्ट में अगर बेड है तो क्या होगा? आप दूसरों के लिए सपोर्ट बन जाओगे. नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर बेड आ जाता है, यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तो आपके इंटीमेट रिलेशंस, हस्बैंड वाइफ के, बहुत अच्छे रहेंगे, यू विल एंजॉय. तो इस तरह से हर दिशा में अलग अलग बेड का इफेक्ट होता है. तो सिर्फ बेड नहीं है, बहुत सारी चीजें, ये चीजें कई बार ये दिशाएं अपना इफेक्ट नहीं दे पाती क्योंकि ये भी बीमार हो जाती है. तो वास्तु इज ऑल अबाउट इट, लेकिन फिर भी आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा. तो अब आप चेक कीजिए कि आपका बेड कौन सी दिशा में है, और सोते समय साउथ की तरफ सिर रखना है और ईस्ट की तरफ सिर रखना है, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ सिर रखना है. नॉर्थ और वेस्ट की तरफ सिर रखेंगे तो हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना है. ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इसके बारे में समझा, सीखा. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जल्दी ही. आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीना एस अरोरा, यूट्यूब चैनल का नाम है नीना एस अरोरा. फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आपको अपडेट्स मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं.